लेट्स गो कलेक्ट सम। हमारे घर में एक डॉगी भी है, अभी कुछ दिन पहले ही हम इसे लेके आए हैं। एंड इफ इट्स रेनिंग एंड यू डोंट हैव एनीथिंग अम्ब्रेला कवर योरसेल्फ, दिस विल एक्ट लाइक एन। बस काफी है, बस। वाओ, लुक एट दिस। वाओ, Hi everyone, how are you all? So I hope you are all doing good. So guys, जैसे कि आपको पता है, हम पिछले व्लॉग में घर आ गए हैं, अपने गांव आ गए हैं। पिछले कल तेज बारिश हो रही थी पूरा दिन, तो आज भी मौसम मतलब खराब ही था। अभी थोड़ी देर पहले मतलब बारिश बंद हुई है। विंटर एक ऐसा टाइम होता है जब सबका गेट टुगेदर होता है, सब आके मिलते हैं। सो गाइज, गाँव में जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इफ आई कंपेयर विद द सिटीज। तो सिटीज में होता है सुबह ब्रेकफास्ट होता है, फिर आपका 1 बजे लंच होता है, और फिर डिनर होता है, या 3 या 4 बजे आपका टी टाइम होता है। बट यहाँ पर टोटली डिफरेंट होता है। यूजुअली जो पहले से हमारे जो एंसेस्टर्स है वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वही अभी तक चला है। जैसे सुबह हम हल्का फुल्का चाय के साथ कुछ खा लेते हैं, फिर जो हमारा लंच होता है वो 10 या 10:30 के बीच में होता है, जो एक्चुअल लंच मतलब हैवी लंच जो हम करते हैं। फिर जो 3 या 4 बजे के करीब होता है उसे हम ब्रंच, या फिर हमारी लैंग्वेज में हम उसे दपारी कहते हैं। चाय के साथ मतलब कुछ भी स्नैक्स हो गया, या फिर कुछ भी मतलब पराठा बना के खा लेते हैं, या सैंडविचेस, कुछ भी मतलब इस तरह का। सो लास्ट टाइम एक कमेंट में भी आया था कि आप अपनी जो ट्रेडिशनल आपकी जो डिशेज होती है वो ट्राई करो, तो आज की दोपहरी के लिए मैं एक ट्रेडिशनल जो हमारी रेसिपी है वो ट्राई करने वाली हूँ, जो कि अरबी के पत्तों के रोल बनते हैं। जो जितने भी पहाड़ी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें हम अपनी लैंग्वेज में थिंदरा बोलते हैं, लाइक अपर हिमाचल में। ये जो डिश है ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग ढंग से बनाई जाती है, बट मैं आज आपको हिमाचली तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी, आई मीन ट्राई करूंगी ऑब्वियसली। तो अभी चलते हैं हम फटाफट से खेतों में, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम आपको मार्केट नहीं जाना होता, आपको जो बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है वो आपको अपने खेतों में मिल जाते हैं, तो चलते हैं खेतों की तरफ। हमारे घर में एक डॉगी भी है, अभी कुछ दिन पहले ही हम इसे लेके आए हैं। मेरा कज़न इसको लेके आया, रॉकी, तो ये भी हमारे पीछे पीछे खेतों में आ चुका है। तो चलो 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 चलो, भागो भागो। ये हमारे घर के साथ में बिल्कुल हमारे जो खेत हैं ये वो हैं, इधर ऊपर को हमारा घर है। हाय रॉकी, तू है मेरा कज़न रॉकी। तो अब हम बढ़ रहे हैं। सो गाइस, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ से कि हमें अरबी के पत्ते कलेक्ट करने हैं। है भी है इसने, पर तो काफी लगे हुए। एक्चुअली हमें निचले वाले खेत में उतरना पड़ेगा। तो आगे चलो ना, यहाँ यहाँ पे इतने अच्छे वाले पत्ते नहीं है, यहाँ से छोटा वाला कलेक्ट कर सकती हो तुम एक। हाँ, मैं एक कलेक्ट कर लेती हूँ। ये होते हैं अरबी के पत्ते, कितना हो सकता है। हाँ, तो एक पत्ता ईशा को मिल चुका है। ये भी अच्छा है, ईशा वाला भी। तो ये वाला भी ले लो। हाँ, ये भी ठीक है। दो गाइज, दिस कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट बिकॉज दिस लीफ इज वाटर प्रूफ। And if it's raining and you don't have anything umbrella to cover yourself, this will act like an umbrella. हमने अरबी की पत्तियाँ ऑलरेडी कलेक्ट कर ली हैं, तो अब हमें थोड़ा सा चाहिए हरा धनिया और जो अनियन की पत्तियाँ होती हैं वो। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिल गई हैं, तो इसमें से मैं कुछ एक उठा लूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं, बस जस्ट फॉर द फ्रेग्रेंस। तो मैं कुछ एक उठा लेती हूँ यहाँ से।
ये अमरूद का पेड़ हमारा, एक और अमरूद का पेड़, ये जो गुआवा है ये बायनुअल है और ये आजकल पके हुए हैं सारे, है ना। पके हुए शादी देती हूँ ना, एक पक गए हैं मतलब, ये वाला ऊपर वाला तो पका ही है। बस काफ़ी है, कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है धनिए की यहाँ से। We have done with धनिया, तो अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ से मूली, जस्ट फॉर आ मतलब मूली के परांठे कभी काम आ जाते हैं कल सुबह के लिए, हम और शाम के लिए सैलेड काम आ जाता है। तुम निकाल लोगी? अब देखो कि मेरी अंदर कितनी ताकत है। ये लगता नहीं तुमसे निकलेगी ये चाय। अब मैं जोश में आ गई हूँ। तू नीचे ना गिरना तुम यार बस। वाओ लुक एट दिस। वाओ, इसको यहाँ पे हमारा यहाँ पे पानी का टैंक है, तो पानी के टैंक इन सबको यहीं धो लो ना यार। हाँ तो सबको यहीं धोना है, तो इसको हम यहाँ पे वॉश भी कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ ग्रीन चिली भी है यहाँ पे, जिसे कहते हैं गमला मिर्च। सो गाइस, विंटर्स में जैसे कि मौसम आज खराब है तो आग जली रहती है, मतलब एक दो लकड़ियां, पर जब आपको एक्चुअली कुछ पकाना है तो आपको लकड़ियों की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा करनी होती है, तो वही मैं करने जा रही हूँ अभी। अरबी के जो ये पत्ते होते हैं मैंने इनको अच्छे से वॉश कर दिया था, जो हमारा बाहर ही एक पानी का सोर्स है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी जो वेन्स हैं उनको मैं कट कर दूंगी, मतलब जहां से इसको तोड़ा गया था वहां से भी मैं कट कर लूंगी। तो ये हमारे रेडी हैं, मैंने इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा वेन्स थी वो निकाल दी हैं। तो मैंने लगभग 8 जो है रोल्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने डाला है 3 कटोरी बेसन। अब इसके बाद जो इतनी लगभग 3 चम्मच है, बड़ा चम्मच, इसमें तिल के दाने जा रहे हैं, इससे जो है आपका टेस्ट ज़्यादा हैवी बनेगा, हेल्दी बनेगा। तो ये 3 चम्मच लगभग इसमें तिल जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें मैंने थोड़ा सा चॉप कर दिया है अदरक, उसके बाद जाएगी आपकी थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, आप ज़्यादा या कम अकॉर्डिंगली बना सकते हो। उसके बाद है आपका गार्लिक, और ये आपका अनियन लीव्स, और ये आ गई आपकी कोरिएंडर लीव्स। सो इन एडिशन टू दिस वील हैव टू टेक 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी अजवाइन, आधी चम्मच अजवाइन जाएगी, तो एक बड़ा चम्मच मैं इसमें जीरा भी डाल रही हूँ, आधी चम्मच के करीब हल्दी, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, तो हमारे घर में ज़्यादा खाते नहीं है, तो दिस मच इज इनफ। सो ये क्या है अपना अनियन लीफ, ये हमारी गार्लिक है, तो इसके अलावा हमने इसमें डालनी है हरी मिर्च, और ये आपका कटा हुआ जिंजर, और ढेर सारा धनिया, ये आपका हरा धनिया। तो ये हमारा बैटर रेडी है। सो गाइस, हमारा पानी गर्म हो गया, इसको हमने पहले गैस पे लगा दिया था ताकि चूल्हे पे ज़्यादा टाइम ना लगे, तो अब चूल्हे में उतनी देर में हमारी जो आग है वो भी काफ़ी इनफ है इसके लिए। सो फर्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा इसमें, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लो ताकि ये जो है आपका चिपके नहीं। सो गाइस, अब हम शुरू करते हैं आपका बैटर लगाने का काम।
हमने अपने अरबी के जितने भी रोल्स हैं वो सारे इसमें डाल दिए हैं, सीडू मेकर में डाल दिए हैं, और इसको पकने के लिए अब लगभग लगेंगे 20 मिनट. सो गाइज, बाय द टाइम आवर रोल्स गेट्स रेडी, सो आई जस्ट रिमेम्बर दैट कि लास्ट टाइम जब हम सोलन से आ रहे थे तो हम लेंस कार्ट के स्टोर से हमने कुछ एक चश्मे जो हैं चूज किए थे. तो हमने आपको बताया था कि जब करियर के थ्रू हमारे घर पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि, तो आज जो पिछले कल जो है करियर पहुंच गया है, तो अब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि हमने किस तरह के चश्मे लिए थे. So these are my first specs. So how do they look? Just tell me. In let's open the second one. So let's see what's inside this. So do mention in the comment section how do I look in these. I actually loved these ones. Like it was like I really liked them at first glance. So this is how it looks. So this is the last one and it is of Raj. Yeah, like, so this is kind of blur to me because it's not my number. So just do mention which one did you like the most. There is also a store, a lens card store in Solan now. So if you are also planning to go and really visit, because there are lots of varieties and there are lots of offers as well. Like when we bought it this time, so it was like with one frame, one more frame was like free. It's not like the lens that you put later on is free. It's like with one frame, one more was free. So that offer we took, and that's why we took like two glasses Raj took and two I got. ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं तो लगता है अपने जो अरबी के रोल हैं वो भी रेडी हो चुके हैं. मैं पहले नीचे से निकाल देती हूँ बिकॉज नीचे वाले जो हैं वो जल्दी पक जाते हैं. तो ये निकाला मैंने एक. सो रोल्स अब थोड़े से ठंडे हो गए हैं. आपको थोड़ा सा बस वेट करना होता है. जैसे ही थोड़े ठंडे हो जाएं तो आप इस तरह से उनको पीसेस में कट कर सकते हो और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं. चाय हमारी ऑलरेडी बन रही है. वो ये रही हमारी अदरक वाली चाय, और यहाँ हमारे जो है एक रोल में हमने ये मतलब दो आदमियों के लिए एज अ ब्रंच इनफ होता है. सो गाइज, तो हमारे अरबी के रोल्स जो है रेडी हैं. तो हमारे धींदड़े रेडी हैं. चाय के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जितने भी हमारे पहाड़ी व्यूअर्स हैं वो तो इसको बनाते होंगे घर पे. सो गाइज, दिस मच फॉर टुडे. तो हम इसको इंजॉय करते हैं. मैं मम्मी पापा और राज को भी बुलाती हूँ, वो भी इसे इंजॉय करेंगे आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि ये सच में बहुत यम बना है. सो दिस मच फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर नॉट डन येट. Do like our video and do mention in the comments अगर आपकी कोई भी queries हैं या आप कोई suggestion देना चाहते हैं या आपको कैसी लगी आज की video, तो हमें ज़रूर बताएं. तो meanwhile हम इसे enjoy करते हैं और मिलते हैं आपसे next week एक नए vlog के साथ, और देखते हैं हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह हम explore करने वाले हैं इस week. तब तक मैं मम्मी पापा और राज इसको enjoy करते हैं. टाटा बाय बाय, see you next week guys.